इस सेशन में टोटली टू एग्जांपल्स प्रोवाइड किए हैं, एग्जांपल वन एंड एग्जांपल टू। सबसे पहले एग्जांपल वन को टेस्ट करें, देन एग्जांपल टू। एग्जांपल वन के केसेस में इफ के अंदर टोटल फिजिकली कितने स्टेटमेंट्स होने दे रहा, टू स्टेटमेंट्स एस वन एस टू, लेकिन वो ऑलरेडी डिस्कस किया था। और किसी पर्टिकुलर कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ कर्ली ब्रैकेट अप्लाई नहीं किया, देन बाई डिफॉल्ट इसका बॉडी सेपरेट होगा बाई यूजिंग फर्स्ट सेमी कॉलन। तो इस केस में इफ के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, इफ का बॉडी जस्ट हेडर पार्ट से स्टार्ट हो जाए, प्लस बॉडी क्लोज का जस्ट आफ्टर फर्स्ट सेमी कॉलन। फर्स्ट सेमी कॉलन मीन्स आफ्टर स्टेटमेंट वन, मीन्स दिस वन बिकम्स लाइक दैट। मीन्स इस केस में करंटली इफ के अंदर फाउंड क्या हो रहा है, एस वन स्टेटमेंट, और एस टू स्टेटमेंट कैसा है, इनडिपेंडेंट ऑफ इफ। मीन्स इस केस में एस टू ना ही इफ का पार्ट है ना ही एल्स का पार्ट है। प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था ड्यूरिंग थ्योरी सेशन ऑफ इफ एल्स, इफ और एल्स के बिटवीन में कोई भी अदर एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं हो, मीन्स ना ही ये इफ से एसोसिएट ना ही एल से एसोसिएट, देयरफॉर इट इज इनवैलिड स्टेटमेंट। इस केस में एल्स ब्लॉक से रिलेटेड कोई भी करेस्पॉन्डिंग इफ ब्लॉक फाउंड नहीं हो रहा, बिकॉज इफ ब्लॉक ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, इसलिए लॉजिकली या सिंटेक्टिकली स्टेटमेंट कैसा है, इनवैलिड। इन दैट केस कंपाइल टाइम एरर मिसप्लेस्ड एल्स, मीन्स इस टाइप के लॉजिक्स एग्जीक्यूट करना पॉसिबल ही नहीं। नेक्स्ट वन, सेकेंड एग्जाम्पल काफी लॉजिकल एग्जाम्पल अगेन। इस केस में फिजिकली चेक करें टोटल इफ कितने, टू इफ इन द फॉर्म ऑफ नेस्टेड फॉर्मेट, लेकिन एल्स ब्लॉक कितने सप्लाई किए, ओनली सिंगल एल्स ब्लॉक। अब चेक करना इस केस में एल्स ब्लॉक आउटर इफ से एसोसिएट है या इनर इफ से एसोसिएट है। अगर सिंटेक्टिकली देखा जाए और इंडेंटेशन वाइज चेक करें तो एल्स ब्लॉक आपको कैसे लग रहा है, लुक्स लाइक एसोसिएटेड टू अ आउटर इफ, लेकिन रियल में अगर बात करें इस केस में रियली एल्स ब्लॉक हमेशा रिसेंटली अपीयर्ड इफ के साथ एसोसिएट हुआ, मीन्स एल्स ब्लॉक से जस्ट पहले कौन सा इफ ब्लॉक एसोसिएट हुआ है, जस्ट इनर इफ, मीन्स ए पर्टिकुलर इफ स्टेटमेंट इनर इफ से एसोसिएटेड ना कि आउटर इफ से। इसका लॉजिकल मीनिंग क्या हुआ, सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट कोड चेक करेंगे, सबसे पहले क्या फाउंड हुआ है एस जीरो, मीन्स किसी भी कोड को सॉल्व करने से पहले प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना चाहिए, मीन्स कौन सा पार्ट इफ का पार्ट है, इफ बॉडी का पार्ट होगा, कौन सा लॉजिक एल्स बॉडी का पार्ट है। इस केस में अगर किसी भी पर्टिकुलर केस में कर्ली ब्रैकेट्स अप्लाई नहीं किए ना, हमेशा कोड पहले आपको कर्ली ब्रैकेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करना चाहिए, मीन्स इनके लॉजिकल मीनिंग्स कैसे होना चाहिए, इक्विवेलेंट। एस जीरो के जस्ट बाद फाउंड हो रहा है इफ, कंडीशन वन ऑलरेडी डिस्कस किया था, अगर कर्ली ब्रैकेट अप्लाई नहीं किया है तो हेडर के जस्ट बाद इसका बॉडी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बॉडी टर्मिनेट किससे हुआ, फर्स्ट सेमी कॉलन। फर्स्ट सेमी कॉलन देखा जाए तो फर्स्ट सेमी कॉलन का है आफ्टर स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट वन के अपन इसका मीनिंग क्या हुआ, एक पर्टिकुलर इफ कैसा है, इट इज अ इनर इफ, इनर है तो इसको राइट कैसे करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ इनर कंडीशन टू देन एस वन। अगर नहीं इफ के अंदर फाउंड क्या हो रहा है, इनर इफ के अंदर भी स्टेटमेंट कितने, ओनली वन स्टेटमेंट कॉल्ड एज एस वन, और अगर इनर इफ का भी बॉडी किससे टर्मिनेट होगा, फर्स्ट सेमी कोलन, इसलिए इसका बॉडी जस्ट एस वन के बाद क्लोज हो रहा है। अब चेक करना है एल्स, एल्स के केस में बात करें, सपोज दैट अगर आउटर इफ का कंडीशन फॉल्स है, अगर एक कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स होने के केसेस में तो इनर इफ को चांस ही प्रोवाइड नहीं हुआ, अगर चांस प्रोवाइड नहीं हुआ तो इसका मतलब इसे पर्टिकुलर सेमी कॉलन को चांस मिला गया नहीं, तो इस केस में फर्स्ट सेमी कॉलन कौन सा हुआ इसके रिस्पेक्ट में, सेकंड, मीन्स दैट वन। अगर ये इफ हाइड हो रहा है इनर इफ, अगर कंडीशन फॉल्स है आउटर, देन इस केस में फर्स्ट सेमी कॉलन कहाँ पे, जस्ट आफ्टर एस टू, तो एस टू स्टेटमेंट भी कंसिडर होगा जब पार्ट ऑफ इनर इफ, इसे पूरा थिंग कैसा है, लाइक दैट, लॉजिकली इसके इक्विवेलेंट है लाइक दैट। इस केस में एल्स ब्लॉक किससे एसोसिएट है, इनर इफ के साथ, एल्स देन अगेन एस टू, लाइक दैट, then closing of body of if, then S3, means logically अगर बात करें particular statement या given code equivalent कैसे वो looks like that format। अब आपके लिए easily flowchart diagram convert करना possible है। first one इस code के respect में बात करें तो सबसे पहले chance किसको मिलेगा, statement S0 के बाद test होगा condition, कंडीशन के केसेस में आउटर कंडीशन की बात कर रहा हूँ, कंडीशन केस में पॉसिबल केस कितने होंगे, आइदर ट्रू और फॉल्स, इस प्लेस पर ऐड कर लेते हैं एस जीरो, देन कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन के रिस्पेक्ट में पॉसिबल केस क्या है, आइदर ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले ट्रू सेशन के लिए इंप्लीमेंट करें, ट्रू के अकॉर्डिंग कंडीशन ट्रू है
ट्रू होने केस में एग्जीक्यूशन किसका हुआ, दैट पार्ट, मीन्स अगेन कंट्रोल कंसेंट हुआ इनसाइड बॉडी ऑफ आउटर इफ, और आउटर इफ के बॉडी के बिगिनिंग में राइट किया अगेन इफ लॉक, तो फिर से टेस्ट क्या हुआ, कंडीशन ऑफ इनर इफ, मीन्स एज अ कंडीशन सी टू, सी टू के केसेस में पॉसिबल केस कितने, टू, आइदर ट्रू और फॉल्स, अगर कंडीशन ट्रू है देन एस वन, फॉल्स है देन एस टू, इस केस में ट्रू होने के केसेस में चांस किसको मिला एस वन, फॉल्स होने के केसेस में चांस किसको प्राप्त हुआ एस टू। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद इनर इफ कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होने के बाद, मीन्स अगर एस वन एग्जीक्यूट होता है उसके केस में एस पार्ट स्किप हो जाए, एल्स के इफ के जस्ट बाद कंट्रोल कॉन्सेंट हुआ आउटसाइड बॉडी, मीन्स एस थ्री, एल्स ब्लॉक को चांस मिला एस, एल्स ब्लॉक के अकॉर्डिंग कंट्रोल कॉन्सेंट हुआ आउटसाइड बॉडी, मीन्स अगेन एस थ्री, एस वन और एस टू दोनों मीन्स दोनों स्टेटमेंट्स के जस्ट बाद चांस किसको मिलेगा एस थ्री, एस थ्री। नेक्स्ट वन, अगर आउटर इफ का कंडीशन फॉल्स है देन कंट्रोल डायरेक्टली सेंड करें टू द एस थ्री, मीन्स इन केस ऑफ फॉल्स इफ आउटर कंडीशन फॉल्स देन अगेन कंट्रोल का सेंड करें टू द स्टेटमेंट एस थ्री लाइक दैट। द एग्जीक्यूशन फ्लो विद रिस्पेक्ट टू गिवन कोड, इस केस में चेक कर सकते हो, सबसे पहले मैं आउटर के रिस्पेक्ट में चेक कर रहा हूँ, आउटर के रिस्पेक्ट में पॉसिबल केस कितने होंगे, या तो आउटर के केस में कंडीशन ट्रू हुआ या कंडीशन फॉल्स हुआ, और आउटर का कंडीशन ट्रू है देन चेक क्या हुआ इनर कंडीशन, इनर कंडीशन में भी पॉसिबल केस कितने होंगे, अगेन टू पॉसिबल केस, आइदर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वन, इस केस में सबसे पहले दोनों ही केसेस में चांस किसको मिलेगा, अगर आउटर कंडीशन ट्रू है फॉल्स हो डजंट मैटर एस जीरो, देन इनर कंडीशन में अगर कंडीशन ट्रू है एस जीरो के जस्ट बाद एस वन देन एस थ्री, एस वन देन एस थ्री, इनर कंडीशन अगर फॉल्स है देन एस जीरो एस टू एंड एस थ्री, एस जीरो एस टू एंड एस थ्री। अदर पॉसिबल वे क्या हुआ, अगर आउटर कंडीशन फॉल्स देन एस जीरो डायरेक्टली एस थ्री, इफ आउटर कंडीशन इज फॉल्स इनर कंडीशन टेस्ट ही नहीं हुआ, इस केस में चांस किसको मिलेगा एस जीरो एंड एस थ्री। इज द पॉसिबल वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम्स।